दोस्तों फाइनली मैं कारवार रोड पहुंच चुका हूं और यहां पर कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ फोटोज में मैंने देखा है कि जो पहाड़ होता है पहाड़ के बीचों बीच जो ट्रेन आती है वो मुझे प्लेस देखना है, तो हो पाएगा या नहीं मुझे पता नहीं। और मैं यहां से डायरेक्टली गोवा जाने वाला था लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया यहीं पे। बस भाई अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ, मैंने 2-3 दिन से अभी जर्नी करते गए जा रहा हूँ तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ऐसा सोचा वो पहाड़ के बीच ट्रेन वाला नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो कारवार का बीच दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। यहाँ पर रात के 3 बजे से मैं सुबह तक सोया हुआ था यहीं पर, वो भी रेलवे स्टेशन के यहाँ पर चेयर्स पर सोया हुआ था। और मैं इसलिए यहाँ पर था कि ये जो पहाड़ है, ये जो कारवार का पहाड़ है उसे मुझे देखना था और आपको भी दिखाना था जो कि वीडियो के ज़रिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि वहीं पर सो गया ना, मैंने रिक्शा वगैरह करके बस स्टैंड तक गया। बस स्टैंड तक जाता तो भी वहाँ पर सोना पड़ता था मुझे 3 आवर के लिए। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि ये पहाड़ है वो देख ही लें, तो इसलिए यहाँ पर आया हूँ और मेरे सामने है पहाड़, वो आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड सब कुछ देख सकते हो कैसा है, बाकी सब कुछ गया हुआ है रोड्स। और आगे है ये वाला पहाड़, कुछ ऐसा है यहाँ पे पहाड़ के बीचों बीच रेलवे है। और अभी दोस्तों थोड़ी रिकॉर्ड जैसी बनी छाई हुई है तो इसलिए थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, आगे जाऊंगा। और यहाँ पर बैठने की सोने की जगह है और यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स है। और दोस्तों ये पहाड़ जो है वो सिर्फ रेलवे के नीचे तक सीमित नहीं है, उस तरफ भी है ऐसा कहकर, और इस तरफ भी है, देखो उस देख सकते हो उस साइड भी है। तो दोस्तों वो पहाड़ है वो हर जगह छाया हुआ है, उसके बीचों बीच रेल का स्टेशन, रेल का जाने का मार्ग है। ट्रैक्स के ऊपर जाकर चलना पड़ेगा मुझे वो अगर क्लियरिटी में देखना है तो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कारवार और यहाँ पर उतना भी सेफ नहीं है। दोस्तों रेलवे ट्रैक पर चलते हुए जा रहा हूँ मैं और मेरे बाल जो नीचे आ रहे हैं अभी तक, बाल को भी काटना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हो ट्रेन का ट्रैक, दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से भी कितना दूर है और मैं रेलवे स्टेशन से भी कितना दूर चल कर आया हूँ, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, अंदाजा नहीं लगा सकते किलोमीटर में स्ट्रेट लाइन है। तो दोस्तों मैं नज़दीक हूँ बहुत ही ज़्यादा, अभी वहाँ से चलते हुए आया हूँ। वहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है आपको, यहाँ से बहुत ही अच्छा है ना, और उधर से देख रहे हो कैसा दिख रहा है, आसमान और ज़मीन एक साथ चूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों क्या कि बहुत दूर चल कर आ गया मैं और यहाँ पर देख रहे हो किलोमीटर्स में चल कर आया हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ है यहाँ से नज़ारा, और दोस्तों अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे तो यहीं से लास्ट यहाँ पर करेंगे शायद। तो इतना सा था सफर यहाँ से, और कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ से नज़ारा कुछ वहाँ पर, देखो वहाँ पर थोड़ा पहाड़ है, इधर पहाड़ है बीचों बीच ट्रेन का रास्ता है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है खास। इतनी देर तक चल कर ऐसे ही आ गया, ट्रेन आने का लेट लग रहा है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बस से पकड़नी है और बीच पर भी जाना है इसलिए। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गंगा भी है यहाँ पर देखते हैं कि पानी, और यहाँ से कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। दोस्तों अभी ट्रेन आ रही है यहाँ पर देख रहे हो, और मुझे इस साइड में खड़ा होना पड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे।
ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड। दोस्तों क्या हुआ कि वो ट्रेन जब मेरे नज़दीक आ गई तो उन्होंने कुछ गैस चैम्बर से छोड़ा दिया, वो भी मेरे थोपड़े पे। कुछ बुरा था, क्या कर सकते, लेना पड़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेन वाला हिस्सा पसंद आया होगा। और अब जो है मुझे जाना है कहाँ पे, अब मुझे जाना है बीच पे जो कि कालोर बीच पे, वहाँ पर जा पाऊँगा या नहीं मुझे पता नहीं। और दोस्तों मैं मुरुडेश्वर जाना वाला था लेकिन वो भी कैंसिल हो गया ट्रिप मेरा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन का, तो मैंने कहा कि मुरुडेश्वर का टिकट दे दो, उन्होंने कहा कि मुरुडेश्वर का टिकट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता था, और मुझे रात को निकलना ही था, कल रात को कैसे भी कर कर, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कारवार बोल दिया, कारवार का टिकट निकाल। तो ऐसा कुछ हुआ दोस्तों मेरे साथ, तो इसलिए मुझे मुरुडेश्वर जाने के लिए नहीं मिला। तो दोस्तों अगली बार जाऊँगा। और दोस्तों मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा टायर्ड था, इंटरव्यू सब कुछ था मेरा। दोस्तों ये रहा कारवार का रेलवे स्टेशन रूम, ऐसा लग रहा है बहुत ही ओल्ड है काबर का रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिख रहा है। और दोस्तों रिक्शा स्टैंड सब कुछ है, लेकिन मैं रिक्शा नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास कैश जो है वो बहुत ही कम है और मुझे बस ही पकड़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है मुझे ATM पर जाना है, कैश भी निकालना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले ब्लॉग पे मिलेंगे।